सामने, कम ऑन, आपको पता होना चाहिए अगर x प्लस वन बाई एक्स होता है और वो बराबर वन के होता है तो कौन सी शर्त हमें याद आ रही है? सर हमें याद आ रहा है एक्स क्यूब बराबर माइनस का वन। अगर एक्स क्यूब बराबर माइनस वन इस वजह से होता है तो बस अपना मामला सेट हो गया। 3, आप इसको लिख सकते हो एक्स की घात 3 की घात 5 माइनस 5 एक्स की घात 3 की घात 4 प्लस 2 एक्स की घात 3 की घात 2 प्लस 1। हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ एक्स की घात पावर में 3 रखा और उसके ऊपर पावर चढ़ा दी। अब अगर और पावर है तो माइनस में आएगा, इवन पावर है तो आपका वाई का प्लस का प्लस ही रहने वाला है। यहां पर इवन पावर है तो प्लस का 2 रहेगा और प्लस का 1, तो प्लस के 3 से आपका माइनस का 3 चला गया, तो केवल बचा क्या? माइनस का 5। एक त्रिभुज में उस कोण के विपरीत भुजा की लंबाई दे रखी है जिसका माप 45 डिग्री है। वाओ, और उस कोण के विपरीत भुजा की लंबाई कितनी होगी जिसका माप 90 डिग्री है? तो आप क्वेश्चन को पढ़कर समझ जाइए कि ये क्वेश्चन तो हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन हो गया मेरे दोस्तों। मैं तो इसको कर जाऊंगा और खा जाऊंगा इस क्वेश्चन को मैं। क्यों सर? क्योंकि ये क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का हो गया, जहां पर आपसे बोला गया है कि ये अगर 90 डिग्री है और एक कोण आपका 45 है तो दूसरा आपका स्वतः ही 45 हो जाएगा। और आपसे बोला गया है कि उस भुजा का माप दिया गया है जो 45 डिग्री के सामने है, तो 45 डिग्री के सामने अगर आपका ए है तो इस 45 के सामने भी आपका ए होगा, तो 90 डिग्री के सामने क्या होता है? √2a होता है, और ए की वैल्यू 8√2 है, तो √2 इंटू √2 2, 8 × 16। बोलो कैसी रही सर? अच्छी रही, अगर पढ़ेंगे तो सब अच्छी ही रहेगी। 32 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से एक चावल खरीदे, एक अलग टाइप के चावल है जो 32 रुपए प्रति किलोग्राम बिक रहे हैं, एक 24 रुपए प्रति किलोग्राम वाले चावल हैं, और 39 के हिसाब से बेचने पर 30% का लाभ होता है, यानी कि 10 से 13 होता है 30% का लाभ, मतलब 100 से 130, 10 से 13, यानी कि ये क्रय मूल्य है तो ये आपका विक्रय मूल्य होगा, तो आपका जो 13 अनुपात है वो 39 के बराबर है। आपको क्या निकालना होता है? ओवरऑल क्रय मूल्य 30, तो ये ओवरऑल क्रय मूल्य रखा जाएगा, क्योंकि अगर यहां पर आप 32 रुपए प्रति किलोग्राम वाली लागत मूल्य वाले ले रहे हो, 24 रुपए प्रति किलोग्राम वाली लागत मूल्य वाले ले रहे हो, तो ओवरऑल अगर दोनों को मिला दूंगा तो 30 रुपए प्रति किलोग्राम वाली लागत मूल्य वाले बनेंगे। आप यहां पर सेलिंग प्राइस रख सकते हो क्या? नॉट अलाउड, सेलिंग प्राइस रख ही नहीं सकते हो आप, कंसेप्ट है ही। तो यहां पर हम कह सकते हैं गुरु जी यहां आ गया 6 और यहां आ गया 2, और अनुपात निकालेंगे तो 3:1 आपका सही उत्तर होगा, यानी कि 32 रुपए प्रति किलोग्राम वाले जो भी गेहूं हैं वो 3:1 में मिलाए गए हैं और 24 रुपए प्रति किलोग्राम वाले 1:1 में मिलाए गए हैं। ओके, 3 वर्षों के लिए इतने परसेंट की दर से या दर पर इतने रुपए का चक्रवर्ती ब्याज अगर संयोजित होता है तो इतने वर्षों के लिए समान दर पर कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा? ये क्या है? ये अमाउंट है या चक्रवर्ती ब्याज है? 6350 अमाउंट है या चक्रवर्ती ब्याज है? गुरु जी यह तो चक्रवर्ती ब्याज है। चलिए, रेट आपकी अगर ये है तो आपसे मैं पूछना चाहता हूं, अगर आप इसको 1/6 लिखते हैं तो आप प्रिंसिपल को क्या मानेंगे? आपका आप अगर निवेश मानना चाहते हैं तो आप क्या मानेंगे? सर 3 साल का अगर समय दिया गया है तो आप हमेशा कहते हो कि जो डिनोमिनेटर में होता है उसका क्यूब मान लेते हैं, क्योंकि 3 साल की बात आप कर रहे हो सर, 216। तो क्या मैं कह सकता हूं कि मेरे पास दो कंसेप्ट हैं, एक या तो मैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगा दूं या मैं ट्री लगा दूं, मैं कौन सा लगाना उचित समझूंगा जो मेरा कम जगह घेरे? मैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि पूरा साल है ना, 3 साल पूरा पूरा है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी 3 3 1 लगा सकते हो। तो मैंने वही काम किया जो भी आपने सोचा, बिल्कुल सही सोचा। तो 216 का 1/6 से गुणा करेंगे तो 36 आ जाएगा, 36 का फिर 1/6 से करेंगे तो 6 आ जाएगा, और 6 का फिर 1/6 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। क्या यहां हमारी कहानी परिपूर्ण हो गई क्या? नहीं सर, अब आपको 3 × 3 × 1 भी तो करना पड़ेगा। Yes. अब ये आपका अनुपात में बिल्कुल कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है, जो 36 थी या 108, 109 और 18, 127, 127 तो ये अनुपात में है, प्रश्न में कितने रुपए के बराबर है, तो यहीं से ही खेला हो गया। प्रश्न में दे रखा है 6350 और आपको खुद ही पता लग रहा होगा कि ये तो 5 बार जाएगा गुरु जी, यानी कि 50 बार जाएगा, ये फील आ रहा है सर। क्यों? 12×5 60 बार कट रहा है,
और 7 5 35 होता है, तो काम हो गया ना हाथ के हाथ अपना। तो आपका जब 1:50 आ गया तो पूछा गया है कि प्रिंसिपल क्या होगा, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 216 को 50 से गुणा करने पर 10,800। अब 10,800 अगर आपका प्रिंसिपल हो गया तो आपको उसी रेट पर 1/6 से गुणा कर दो, समय कितना है 5 15 और 2 17/3। अब सॉल्व कर लो डियर, 18 से काटोगे तो 6 बार जाएगा, 17 6 102, आंसर आ गया डी ऑप्शन। एक बेलनाकार टावर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, ये क्वेश्चन हमने यार मतलब हो सकता है कि कम से कम ये 50 बार हो, कम से कम 50 बार आया ये क्वेश्चन, ठीक है। हाँ तो आंसर रट गया होगा, लेकिन मैं तो चाहता हूं कि कंसेप्ट को सीखो, क्योंकि कभी भी मेंसुरेशन का क्वेश्चन मैं कराऊंगा ना तो फॉर्मूला रिमाइंड करने के लिए कराऊंगा कि आपको फॉर्मूला याद है या नहीं है, और सही ढंग से याद है या नहीं है। तो इसलिए तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है सर, 2πRh होता है, और आयतन कितना होता है πr²h होता है। तो दोनों को जब डिवाइड करोगे ना तो आपकी एक चीज निकल कर आ रही है, खुद देख लो, हम तो क्या बताएं तुम्हें, पाई से पाई कट गया, एच से एच कट गया, आर से आर कट गया, 2 से कट गया 132 बार, और 132 से कटेगा ये 7 बार, तो आपकी रेडियस निकल कर आ गई 7। और जब आप रेडियस आपकी 7 निकल कर आ गई ना, तो मैं कहता हूं कि आप 2π 264 में 2πRh के बराबर होता है 132, मतलब πRh 132 के बराबर हो जाएगा, 22/7, आर की वैल्यू 7 और एच की वैल्यू आपको निकालनी है, तो वो कितनी आ जाएगी डियर, 6 आ जाएगी, एच की वैल्यू आ गई 6, ये लो सोने पे सुहागा हो गया, यानी कि व्यास का ऊंचाई से अनुपात, तो व्यास कितना हो जाएगा 14 और ऊंचाई कितनी हो जाएगी 6, तो 7/3 आपका राइट आंसर होगा। रमेश क्या करता है, अपने उत्पादों को 25% की हानि पर बेचने का दावा करता है, वो बोलता है कि देखो मेरे तो चुन्नू मुन्नू नहीं है, तो मैं तो समाज सेवा कर रहा हूं, और जो भी मतलब लीगल कैंडिडेट है उसको मैं लो हानि पर बेच देता हूं, लेकिन बेचते समय 500 ग्राम के स्थान पर 300 ग्राम ही देता है। लेकिन याद करना, चुन्नू मुन्नू नहीं है लेकिन चुन्नू मुन्नू की मम्मी तो है, तो बचाएगा तो सही, बिल्कुल। तो बात यही है कि वह ओवरऑल क्या कर रहा होगा, कि 25% के लॉस पर बेच रहे हो, तो लॉस तो वास्तविक चीज है, यानी कि 4 से आपका 3 हो जाएगा, लेकिन अगर वजन की बात मैं करता हूं तो आपका जो वेट का रेशियो है वह 500 ग्राम की जगह 300 ग्राम दे रहे हो आप, यानी कि वो वेट का रेशियो 5:3 है, लेकिन आपको वेट के रेशियो से क्या मतलब है, आपको तो प्राइस का रेशियो लिखना होगा जो वेट के रेशियो का उल्टा होता है 3 से 5। तो लाइन ऑफ कंक्लूजन के नीचे ये प्राइस का रेशियो लिखा, ये आपका लॉस हो रहा था जो मानना पड़ेगा, तो हम देखते हैं 3 से 3 कट गया क्योंकि क्रॉस कट जाता है सक्सेसिव केस में, तो 4 से 5 आ रहा है लाइन ऑफ कंक्लूजन के नीचे, तो आपका प्रॉफिट फिर भी हो रहा है 1 का, किसके रेस्पेक्ट में, 4 के रेस्पेक्ट में गुणा 100, यानी कि 25% का प्रॉफिट आप फिर भी नहीं छोड़ रहे हो, मतलब लोगों को लग रहा है कि आप लॉस में हो लेकिन आप लोगों की ऐसी तैसी करने में लगे हुए हो, भजन में गड़बड़ करके। चलिए, 2 संख्याओं का लैसे और मैसे दे रखा है, और पहली संख्या को 2 से विभाजित करने पर किया जाता है तो भागफल 84 आता है, तो मैं पहली संख्या को 2 से विभाजित करता हूं तो फर्स्ट नंबर मैं निकाल सकता हूं क्या, क्यों नहीं सर, 84 × 2 आपका फर्स्ट नंबर हो जाएगा, क्योंकि आपका जो वो थोड़ी ना आ रहा है कोई रिमाइंडर थोड़ी है, मैंने कहा ठीक है भाई, तो दूसरा नंबर निकालना है, तो हम जानते हैं एससीएफ एलसीएम का एक केस हमें पता है सर, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है एससीएफ इनटू एलसीएम, जहां पर आपका एससीएफ दे रखा है आपका माफ कीजिए उल्टा है ये, गड़बड़ है वैसे भी, कोई दिक्कत नहीं है, 21 × 504, और आपको लगता है कि इंग्लिश हिंदी में गड़बड़ है, तो अब आंसर किससे निकल कर आ रहा है वो देख लीजिए, कट किससे रहा है, कट किससे रहा है, हिंदी से कट रहा है इंग्लिश से कट रहा है, हिंदी से कट रहा है ना, तो इसको 84 कर लो फिर, तो 84 कर लोगे तो आंसर सही हो जाएगा आपका, तो पहली संख्या को मैंने 84 × 2 लिख दिया, सेकंड 21 से मैंने काटा इसको 21 × 84, और 8 से काटा मैंने इसको 8 × 48 = 2 8 = 24, तो दूसरी संख्या निकल कर आ गई 63, ठीक है। प्रदीप ने क्या किया, 29,500 रुपए में एक बाइक खरीदी और इसकी मरम्मत पर 500 रुपए खर्च किए,
यानी कि उसने 29,500 में बाइक खरीदी और 500 रुपए खर्च कर दिए रिपेयरिंग में, तो उसको घर में बाइक कितने की पड़ी डियर? उसको घर में बाइक पड़ गई सर, आपका जो नेट आपका कॉस्ट प्राइस है वह आपको पड़ा है 30,000 रुपए की, घर में बाइक पड़ी है सर मेरे। अब उसने बाइक को 10% की छूट पर बेचने का वादा किया, लेकिन फिर भी उसको 8% का लाभ अर्जित हो गया। अरे वाह, तो ज्ञात कीजिए बाइक को जिस कीमत पर खरीदा था उसकी तुलना में उसने बाइक को किस कीमत पर अंकित किया। तो मैं ये कहता हूं धोखा हुआ है भाई, डायरेक्ट भी किया जा सकता है। जहां पर एमपीसीपी की बात आ जाए वहां पर मेरे मुंह पर एक स्माइल सी आ जाती है, क्योंकि यहाँ 100 आपको डिस्काउंट दे रखा है, यानी कि 90 और 108। मैं यहाँ पर हमेशा कहता आया हूं कि देखो चीजों को समझ लोगे ना तो चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। 18 6 की 108, 18 5 90। आप भी जानते हैं डियर स्टूडेंट कि 5 बराबर आपके सामने क्या है, 30,000। आपको 30,000 लगे थे ना टोटल, तो 1 बराबर आपका 6,000, तो आपने उसको 6,000 रुपये अधिक ही अंकित किया होगा। तो आपका जो ऑप्शन है वो गलत है? नहीं, गलत तो नहीं है, क्योंकि आपने उसको 6,500 रुपये अधिक अंकित किया है, क्योंकि आपने जो लगाया तो वो ठीक है, तो लेकिन आपका 500 रुपये वो आपका घर से लगा है, 29,500 में से घटाना है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो 65,000 होगा, लेकिन अगर मैं 6,000 होता तो मैं भी गलती करके आ जाता, राइट। मैं आपसे हमेशा कहता आया हूं डियर, समस्या को समझने से ही समस्या हल होती है। मैंने जब इस चीज को देखा, इस कॉन्सेप्ट को देखा, तो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से मेरे को एक चीज समझ में आई कि अगर मैं कॉस थीटा को डिवाइड करता हूं तो क्या मैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिख सकता हूं क्या? क्यों नहीं, बिल्कुल लिख सकते हो। मैं अगर इसको अगर सॉल्व करता हूं तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या, 1 अपॉन sec थीटा, और अगर मैं इसको बात करना चाहूं 1 अपॉन sec थीटा अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन cosec थीटा, या फिर मैं कह सकता हूं कि अगर मैं कॉस थीटा का डिवाइड कर दूं तो ज्यादा मेरे को अच्छा से समझ में आ रहा है चीज। अगर मैं इसमें कॉस थीटा का डिवाइड कर दूं डियर, तो क्या आप समझ पा रहे हो क्या? क्या ये यही नहीं हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा आपका सेक थीटा प्लस टेन थीटा। बोलो बोलो डियर, चुप ना रहना बस। ये मैंने जो लिखा है आपको समझ में आ गया क्या? एलसीएम एलसीएम मतलब ये तो बहुत आसानी से दिख ही रहा है ना, ये बन गया सेक थीटा अपॉन टेन थीटा। इस कॉस थीटा को मैं नीचे डिवाइड कर देता हूं तो देखो 1 अपॉन sec थीटा प्लस टेन थीटा बन गया। अब आप मुझे बताओ क्या मैं 1 अपॉन sec थीटा प्लस टेन थीटा को वही लिख सकता हूं क्या जो आपको पता है? वो तो पता होना चाहिए आपको, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिख सकता हूं इसको। क्यों? क्योंकि एक दूसरे का मल्टीप्लाई वन होता है। यहां से टेन थीटा चला गया मेरे पास, और ये कितना आ रहा है, माइनस 1/2 कॉट स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा आपके सामने टेन स्क्वायर थीटा। अच्छा एक बात बताओ, 1/2 कॉट स्क्वायर है तो 2 तो नीचे रहेगा, कॉट ऊपर जाएगा टेन के, ठीक है? हाँ 1/2 नहीं है, 2 होगा ऊपर, है ना? यहाँ गड़बड़ है लेकिन फिर भी हम देखते हैं क्या आंसर आता है, फिर उसी हिसाब से मैच कर लेंगे हम। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सर ऐसी बात है, तो देखो ये बन गया ना हमारे पास 2 sec² थीटा माइनस 1/2 tan² थीटा, तो बैठ नहीं रहा है ना यहाँ से, तो ऊपर 2 होगा आई थिंक। ये गड़बड़ यहाँ हुई है मेरे से, मैंने चेक भी नहीं किया शायद, ठीक है ना? तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, 2 आ जाएगा ना। अब तो क्लियर है ना कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी होनी चाहिए, बाकी सब चीजें अपने आप हो जाती हैं, ठीक है? 1 हो गया ये, ओ सॉरी 1 क्या मतलब, ये 1 हो जाएगा तो आंसर 2 आ जाएगा। चलिए, पी क्यू आर का औसत वजन आपका 45 किलोग्राम है, पी और क्यू का औसत वजन आपका 36.5 है, क्यू और आर का दे रखा है 52, तो क्यू का बताइए। अब आपको दिमाग लगाना है, देखो यहां पर सर आप देख ही रहे हो कि पी क्यू आर का औसत वजन आपका 45 है, तो मैं ये कह सकता हूं क्या कि पी क्यू आर एक साथ आ गए तो 45 × 3 कितना हो जाएगा आपका, 135। पी और क्यू आपका एक साथ आ गया तो पी और क्यू का 36 × 72 और 173, ठीक है? क्यू और आर आपका एक साथ आ गया तो 52, क्या 52 किलो है औसत, है ना? क्यू और आर का 52 किलो है या 52 का औसत है? अब 52 औसत होगा, ये 104 हो जाएगा,
औसत है ना, ध्यान रखना, ठीक है। अब आप बताओ क्यू का कैसे निकालूं, दिमाग लगाओ चाचा चौधरी वाला, दिमाग समझ में आ गया आपको? मतलब ऐसे लिख दिया करो, ये नई टेक्निक है, ये नए टाइप के क्वेश्चन है जो पेपर में आ रहे हैं, जहां पर आपको क्या होता है ABCD दिया जाता है, मतलब एक सीरीज बन रही होती है। अब कुछ नहीं लगाना, सिर्फ दिमाग लगाना है। बोले क्या लगाऊं गुरुजी? देखो यार इधर झोल ज्यादा है, अगर इन दोनों को जोड़ लेते हो तो यहाँ क्यू वेटेज में आ गया, पी से तो पी कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा, अगर मैं इसमें से घटा दूं, और एक क्यू से क्यू कट जाएगा, तो आप इन दोनों में से जोड़कर ये घटा दो। मजा आ रहा है कि बहुत अच्छा टेक्निक है जो आजकल बहुत यूज हो रहा है। मैं आपको नई नई तरीके से अपग्रेड कराता रहता हूं कि आपके समझ में आता रहे चीज। 177 में से ये घटेंगे तो 42 आपका राइट आंसर होगा। एक आयत एक वर्ग में इस प्रकार निहित है, एक आयत है एक वर्ग में है, सॉरी वृत्त में है, कि विकर्ण है ना वृत्त के व्यास के बराबर है। अब हो गया काम, बस एक आयत एक वृत्त में इस प्रकार निहित है कि जो इसका डायगोनल है ना वह किसके बराबर है, डायामीटर के बराबर है। अब मेरा काम हो गया, बस अब सब कुछ निकाल लूंगा मैं। तो भाई ऐसी बात है तो ये सेंटर होगा, होने दो। परिमाप दे रखा है 98, परिमाप 98 है तो यानी कि लेंथ प्लस विड्थ का योग कितना हो जाएगा, 49, क्योंकि परिमाप है ना ये, तो 2 × होता है, 49 हो गया। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए कि ये वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 17.5 है। तो भाई ऐसी बात है गुरुजी, त्रिज्या अगर 17.5 है तो मेरे दिमाग में एक चक्कर चल रहा है, मैं लगा सकता हूँ दिमाग यहीं। देखो कैसे, अब देखना तरीका, देखना आप, ये 90 डिग्री है, 17 × 34, और ये कितना हो जाएगा अपना, 35, ये पूरा 35 है, 35। तो आपको यार याद आ रहा है क्या, कुछ कुछ याद आ रहा है, आना तो चाहिए। देखो सर क्या याद करूं, एक 3 4 5 होता है, एक याद आ रहा है 3 4 5 होता है। हाँ गुरु जी होता तो है, तो 3 4 5 में 7 का गुणा किया गया है, ये कर्ण है, ये 7 × 4 = 28 और 7 × 3 = 21। क्या इन दोनों का योग 21 आ रहा है, 49 आ रहा है क्या? अरे क्यों नहीं आ रहा सर, बिल्कुल आ रहा है, मामला सेट है। 21 × 28, इकाई का अंक जिंदाबाद, आंसर आ गया बी। अब यार साइन ए पता है, टेन बी पता है, लेकिन एक चीज पता होना जरूरी है। बोले क्या गुरुजी? बोले यार एक ट्रिपलेट बन रहा है, और वो आपको समझ में आ गया होगा, 20 21 29, मैं उसी की बात कर रहा हूं। ट्रिपलेट क्या बन रहा है, तो यही आपके दिमाग में होना चाहिए कि ट्रिपलेट आपके दिमाग में हो, 20 21 29। तो साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर होता है लाल बटे कक्का, साइन बराबर क्या होता है, लाल बटे कक्का, ठीक है। ठीक है ना, साइन बराबर होता है लाल बटे कक्का, तो लंब बटे कर्ण, तो ये लंब होगा ना, अगर मैं इसको ए मानता हूं, तो इसको मैं अगर ए मानता हूं तो ये लंब मान लेता हूं, और कर्ण हो गया 29, तो ये हो गया 20। गजब की बात कर दी सर, तो टेन बी क्या मानोगे, इसको कोण बी मान लो। अब ये कोण बी मान लिया तो 20 बटे 21, यानी कि आपके सामने ये अगर कोण बी है तो लंब ये हो गया उसका। अद्भुत सर, मजा आ गया गुरु जी, अब तो ये होती है बात। तो अब आपको क्या निकालना है, कॉसेक ए प्लस बी। तो कॉसेक ए प्लस बी निकालने की वजह है, आप क्या कर दें, एक दिमाग लगा लें। बोले क्या लगाऊं, कि मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर ये ट्रिपलेट है, तो अगर एक कोण आपका 90 है वो सी होगा। क्या बात कह दी सर आपने, तो ए प्लस बी का योग कितना आ गया, 90, और 90 की वैल्यू होती है 1, तो आंसर आ गया 1। एक दुकानदार एक मेज को 20% की छूट पर बेचता है भाई, और 60% का लाभ कमा लेता है। ओहो, यदि वह 40% की छूट पर बेचता है तो नया लाभ कितना होगा? अच्छा 20% की छूट, 20% की छूट को लिखो 5 से 4, ये एमआरपी होगा, तो ये क्या होगा, सेलिंग प्राइस। 60% का लाभ, 60% का लाभ मतलब 5 से 8, ये आपका कॉस्ट प्राइस होगा, तो ये आपका क्या होगा, सेलिंग प्राइस। बहुत बढ़िया,
क्या चीज बराबर होनी चाहिए? बोले सेलिंग प्राइस बराबर करो गुरुजी, क्योंकि वही आपका एक कॉमन थ्रेड है जो इन दोनों को बना रहा है। मामला अब सेट हो चुका है बिल्कुल। कैसे? 10 आपका एमआरपी है, 40% की छूट दूंगा तो यानी कि 6 में बेचूंगा, क्रय मूल्य पता लग ही चुका है, तो 1 का लाभ 5 के रेस्पेक्ट में इंटू 100। अब इससे बेहतर क्या गणित हो सकती है? सीखते जाइए, करते जाइए। चलिए, 4, 12, 15, 3, 7, 10, 8, 10 के समुच्चय का माध्यिका क्या हो गया? माध्यिका के लिए हमें क्या करना है? नंबर ऑफ टर्म्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो n बराबर अगर 8 है, यानी कि हमारा इवन है। अगर इवन है तो क्या होगा? सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो। मैंने लिखा 3, 4, 7, 8, 10, 12, 15। हो गया क्या? 10 एक बार और है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो 8 के लिए क्या करना है? चौथा पद और पांचवा पद बटे 2, 9 आ जाएगा, द्वारा विभाजित है। 3 की पावर अगर मैं 11 को कॉमन ले लेता हूं तो क्या बचेगा? 1, यहां बचेगा 3, यहां बचेगा 3 का स्क्वायर, यहां बचेगा 3 की घात 3। अब देखिए क्या आ रहा है, तो 3 की घात 11 बाहर है, गुणा में क्या क्या आ गया? 3 और 1 4, 4 और 9 13, 13 और 27, 13 और 27 हो गया 40। अब आप देख लो, 7 से जा रहा है क्या? पॉसिबल नहीं है। 8 से जा रहा है क्या? यस। लंबाई 900 मीटर, ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, एक आदमी एक ही दिशा में 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रहा है। अब आपको पता है जब ट्रेन पार करेगी तो आदमी की तो कोई दूरी होती नहीं है, तो खुद की आएगी दूरी 900। अब एक ही दिशा में चल रहा है तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी? जुड़ेगी, घटेगी? बोले उड़ीद घटेगी। कितनी बचेगी? 54 बचेगी, 54 बचेगी। बोले मीटर में है, तो बोले मीटर में है क्या? नहीं, 5 मीटर गुणा कर दो गुरु जी, 5 मीटर गुणा। अब टाइम निकाल लो, ठीक है, तो 15 6 90, 60 सेकंड आंसर आ गया। चलिए, बस से यात्रा करते हुए एक पुरुष ने पाया कि बस ने 1 मिनट में 35 विद्युतीय खंभों को पार किया और 2 खंभों के बीच की दूरी 50 है, तो बस की गति कितनी होगी? तो ये बताइए, 35 अगर खंभे पार करेगा तो दूरी कितनी पार करेगा? n-1x। बताया हुआ है आपको, अब नाटक नहीं करना। तो 34 खंभे और 1 खंभे के बीच की दूरी कितनी है? 50 मीटर। तो यह दूरी कितने में? 1 मिनट में, यानी कि 60 सेकंड में। तो इसको आपको क्या करना है? 18/5 से गुणा करना है, या 5/18 से? 18/5 से। सॉल्व करने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे 34 तिया आंसर आ रहा हो, और 34 तिया कितना होता है? 102। क्या कहें, मतलब मजा आ रहा है ना, आएगा क्यों नहीं। ए एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। ए और बी ने 3 दिनों तक एक साथ कार्य किया और शेष कार्य को सी ने 3 और दिनों में पूरा किया। यदि उन्हें 24,000 रुपये मजदूरी के रूप में मिले तो बी द्वारा प्राप्त मजदूरी क्या है? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। चलिए सीखते हैं कि कैसे कर पाएंगे आप इस प्रश्न को, और आपके अंदर है इस क्वेश्चन को करने की हिम्मत, तो चलिएगा देखते हैं। भाई मैंने बोला ए एक कार्य को 8 दिनों में करता है, बी उसी कार्य को 24 दिनों में करता है। मैंने टोटल आपके सामने आपका ले लिया वर्क 24 यूनिट, ए की एफिशिएंसी निकाल दी +3, बी की एफिशिएंसी निकाल दी +1। क्या बोला जा रहा है कि ए और बी ने 3 दिनों तक एक साथ काम किया, यानी कि 4 की एफिशिएंसी से 3 दिन तक काम करने के बाद 12 यूनिट काम तो कर लिया, ठीक है माय डियर। ओ, मैंने गलती की है, उस गलती की तो यहां हम कह सकते हैं 5 या 15, ठीक है, 5 या 15, तो 15 यूनिट काम हो गया भाई। तो 15 यूनिट काम हो ही गया है, 3 दिन काम कर लिया। अब शेष कार्य को किसने किया? सी ने 3 और दिनों में पूरा किया। शेष कार्य कितना बचा? 9 यूनिट, और उसने 3 दिन में कर दिया, यानी कि सी की एफिशिएंसी भी निकल कर आ गई 3। और ये सर, ये तो मजा आ गया इनका, वो तो है ही। तो 24,000 रुपये को बांटना है। अब आप लोग मुझे बताइए, क्या एफिशिएंसी के रेशो में बांट दूं क्या? क्या एफिशिएंसी के रेशियो में बांटना उचित रहेगा क्या मेरे दोस्तों? एक कोशिश कर सकते हो आप, पहले ट्राई करो कि टाइम बराबर है ना। तो आप ये देख रहे हो कि आपकी
तो मतलब होता है कि बच्चा क्या होता है, किस्मत लेके पैदा होता है कभी कभार। अब इस क्वेश्चन में किस्मत ही ऐसी है कि एफिशिएंसी के रेशियो में बट गया और आंसर आ गया, जो कि गलत है। पहले हम देखेंगे कि ए ने कितना काम किया, 3 दिन, इसलिए ए ने 3 दिन काम किया है। बी ने भी कितने दिन काम किया, 3 दिन काम किया है। और सी ने भी कितने दिन काम किया, 3 दिन काम किया है। तो यहां पर हमने ये चेक कर लिया कि इनके दिन सेम है काम करने के। अगर इनका काम करने का टाइम सेम है तो आप एफिशिएंसी के रेशियो में बांट सकते हो, इसलिए मैंने बांटा। समझ में आ गई बात, क्लियर है ना? वेरी गुड। तो 3, 2, 5 और 3, 8। 8 बराबर अगर 24,000 है तो 1 बराबर आपका 3,000 होगा, और बी को कितना मिलेगा, 6,000। 720 रुपए की धनराशि एक सही 1/2 वर्षों में साधारण ब्याज पर इतने रुपए हो जाती है, तो कितने वर्षों में समान दर पर 800 रुपए की धनराशि 1,040 रुपए बन जाएगी। अच्छा क्वेश्चन है, बड़े प्यार से करेंगे। सबसे पहले आप निकालिएगा, 720 रुपए की धनराशि है, 3/2 में किस रेट पर हो रही है? तो रेट आपको निकालनी है। मैं हमेशा कहता आया हूं कि रेट अगर आपको निकालनी है तो बटे 100 तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूले में होता है। ब्याज कितना बन के निकल रहा है, 2, 8 में से 2 गया तो 6, 162। काटा पीटी चालू रखिए और आपका आपके सामने आंसर होगा जो सही आएगा। देखते हैं, 3 पंजे 15, 3 चौके 12, 18 तिया 54, 18 चौके 72, 2 से काटा 2 बार और ये आ गया 15। तो रेट आपकी निकलकर आ गई 15%। अब रेट आपकी 15% निकलकर आ गई तो क्या बोला जा रहा है, कितने सालों में 800 रुपए की राशि 1,040 हो जाएगी। तो ब्याज कितना निकल कर आ रहा है, 240 का ब्याज है, 800 रुपए पर है। रेट आपकी 3/20 है, टाइम निकालना है। तो 20 से काटा मैंने इसको कितनी बार, ठीक है, 40 बार, आंसर आ गया 2 साल। ए 12 घंटे में किसी टैंक को भर सकता है, बी 18 घंटे में किसी टैंक को भर सकता है। वैकल्पिक तौर पर आ रहे हैं, कोई बात नहीं है। हमने मान लिया 36 यूनिट का टैंक है, तो 12 तिया 36, 18 दूनी 36, दोनों को वैकल्पिक घंटों पर खोला जाता है। यानी कि पहले घंटे में 3 यूनिट, दूसरे घंटे में 2 यूनिट, पहले घंटे में 3 यूनिट, दूसरे घंटे में 2 यूनिट। और पहले पाइप पी बी को खोला जाता है, यानी कि पहले पाइप बी को खोला जा रहा है, फिर ए को खोला जा रहा है, ठीक है सर। तो कितने घंटों में टैंक भर जाएगा? तो सबसे पहले देखिए कि 2 घंटे में आपका 5 यूनिट भर जाता है डियर, तो मुझे इसके करीब पहुंचना है। मैं इसके जितना भी करीब पहुंच सकता हूं पहुंचना चाहूंगा मैं। तो आपसे कहोगे कि सर आप 7 पंजे 35 करके देखो, तो आपने कहा कि ठीक है, 14 घंटे में मैंने 35 यूनिट भर दिया, क्या टंकी भर चुकी है क्या? ना गुरुजी। ठीक है, चलो यहां तक को बात हो गई। अब मुझे 1 यूनिट और भरना है, लेकिन आएगा कौन, 1 यूनिट भरने कौन आएगा? सर बी आएगा, जो कि 2 यूनिट 1 घंटे में भरता है। तो आधे घंटे में यानी कि 14.5 घंटे में पूरा का पूरा 36 यूनिट भर जाएगा। ठीक है, दो व्रत की जीवाएं हैं, ठीक है सर, व्रत की दो जीवाएं हैं ए बी और सी डी, वह एक दूसरे को बाहर प्रतिच्छेदित करती हैं, तो करने दीजिए। ठीक है, मैंने कहा ये ए बी है, ये सी डी है, एक दूसरे को पी पर प्रतिच्छेदित कर रही हैं, ठीक है, पी पर प्रतिच्छेदित कर रही हैं। अब ए बी दे रखा है 7, बी पी दे रखा है 4.2, डी पी दे रखा है 2.8, तो सी डी बता दो। मैंने क्या तरीका बताया था, अगर आप किसी गांव में हो और आपके पास शहर में दो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र भी हैं बी और डी, पहले आप नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएंगे 4.2, फिर आप पूरे जाएंगे पीए पर दोबारा घर पे आकर, लेकिन 11.2 बराबर। इसी प्रकार आप पहले स्वास्थ्य नजदीकी जाएंगे 2.8, फिर आपको पूरा निकालना होगा, तो आप कहेंगे 2.8 + x, जो कि सीडी निकालना है। सॉल्व करना मुझे आता है, 14 तिया 42, 14 दूनी 28, मैंने इसको काट दिया कितनी बार, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, तो 5.6 × 3 कर दो और 2.8 को घटा दो, तो आपका जो सही उत्तर आने वाला है वो आ जाएगा। तो 6 तिया 18 और 5 तिया 15 और 1 16.8 में से आपके 2.8 चले गए, तो x बराबर आ जाएगा 14।
अच्छा लग रहा है डियर। एक छात्रा को फ्रेंच में जर्मन से 22 अंक अधिक प्राप्त होते हैं, उसके जर्मन अंक उसके फ्रेंच और जर्मन अंकों का योग का 28% है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है डियर। क्या बोला गया है कि उसके जर्मन अंक फ्रेंच और जर्मन अंकों का 28% है, यानी कि जर्मन का जो अंक है वो फ्रेंच और जर्मन के जो अंक हैं उसका 28% है, यानी कि ये 28 है तो ये 100 होगा। सॉल्व करूंगा, 4 7 28, 25 चौके 100। अगर जर्मन का 7 अनुपात है तो यहाँ 18 फ्रेंच होगा और जर्मन तो 7 है ही, तभी तो 25 होगा जाकर। तो इन दोनों का अंतर दे रखा है 22 अंक, तो जो अंतर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 18 और 7 का 11। 11 बराबर 22, 1 बराबर 2, तो फ्रेंच में कितने अंक आए, 36 अंक। चलिए, 4 साल पहले ए और बी की आय का अनुपात दे रखा है 4:5। अब जो ये अनुपात दे रखा है ये 4 साल पहले का दे रखा है, और अभी से 8 साल के बाद, तो 4 साल पहले और 8 साल के बाद, इसका मतलब 12 साल का गैप है, यानी कि 12 साल का गैप है, 11:13 हो जाता है। सब लोग समझदार, 13 चौके 52 और 11 पंजे 55, तो 55 में से 52 चले गए, तो 3:24 24, क्योंकि सर 24 कैसे निकाल दिया, क्योंकि 12 गुणा 13 और 12 गुणा 11 का अंतर आएगा 2 × 12, तो 1 बराबर 8 हो गया। तो उनकी वर्तमान आयु का योग क्या होगा, तो यहां आप आयु देखिए कितना हो रहा है, 5 और 4 9 8 72, तो 72 तब है दोनों का योग जब 4 साल पहले का अनुपात दे रखा था। अब दोनों को 4 4 साल बड़ा कर दोगे तो 8 और जोड़ दो 80, आपका योग आ जाना है, वर्तमान में पूछा है ना इसी वजह से। कितने वर्षों में गेहूं का उत्पादन औसत उत्पादन से कम था, यह अच्छा क्वेश्चन है। तो पहले औसत उत्पादन निकालेंगे, कैसे करेंगे, सबको जोड़ना है फिर औसत उत्पादन निकालना है, ठीक है। तो क्या हम कहते हैं जोड़ेंगे कैसे, 4 और 5 9 9 9 और 5 14, 1 7 और 4 11 और 4 15 और 4 19 और 2 21 और 8 29 और 4 33, 8 और 3 11 और 2 13 और 6 19 और 7 26, 26 26 और 2 26 और 2 28, 3 4 5 6 7 8, वेरी गुड। ये तो पूरा सम हो गया, औसत निकालेंगे तो 3 और 3 7 का भाग दे देंगे, 7 का जैसे ही भाग दिया 7 एकम 7 बचा 1, 7 दूनी 14 25 4, 7 छिंग 42, 7 दूनी 14। अब देखिए 1262 से कितने वर्षों में कम है, औसत उत्पादन से कम, तो 1262 से कम, ये एक तो ये है, एक ये है, 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 ऐसे हैं भाई, ऑप्शन नंबर सी। मजा आ गया ना, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आना चाहिए। चलिए, उत्पादन में अधिकतम कमी की दर क्या है, उत्पादन में अधिकतम कमी की दर क्या है। ओहो, वेरी गुड क्वेश्चन। द ग्रेटेस्ट रेट ऑफ डिक्रीमेंट इन प्रोडक्शन, यानी कि अधिकतम उत्पादन की में कमी कहाँ हुई है। अब मैं यहां देखता हूं कि ये कमी अधिकतम दिख रही है क्या, ना, ये कमी अधिकतम दिख रही है क्या, हाँ, ये कुछ ना कुछ लग रहा है मेरे को कि कमी ज्यादा कम हुई है, क्योंकि यही सबसे कम है, बाकी तो सब ठीक है। तो इसी कमी को निकाल दो बस, 365 की कमी हुई है, 1085 के रेस्पेक्ट में हुई है, गुणा 100 करने पर आंसर आ जाएगा 33.6।